15 मिनट हो चुके हैं, मैं इस खाली पन्ने को देख रही हूँ। ये मुझे निहार रहा है। बहुत कुछ है दिमाग में लिखने को, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि लिखूँ तो क्या लिखूँ। खैर, इसे तो मैं बाद में भी लिख लूँगी, मुझे पहले आपसे बात करनी है, क्योंकि आज का जो विषय है वो बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर इंसान की एक जगह होती है इस दुनिया में, जो उसको ढूंढनी पड़ती है और बनानी पड़ती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंसान के अंदर की हीन भावना है वो ऐसा करने से उसे रोक देती है। तो आज हम यही देखेंगे कि जो हीन भावना है उसे हम कैसे हरा सकते हैं। और ये समझने के लिए हमें एक छोटी सी कहानी सुननी है, तो ये छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक गांव था जहाँ पे एक लड़का रहता था, श्याम। अब ये जो लड़का था, इसे हर कोई नकारता था, मजाक उड़ाता था इसका। उसके साथ के जो बच्चे थे वो उसे कहते थे, तेरी नाक बहुत लंबी है, तेरे कान बहुत बड़े हैं, तू दिखता बहुत अजीब है। अध्यापक कहते थे, श्याम तो तू तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। माँ बाप को भी ऐसा ही लगता था, कहते थे, श्याम तू तो हमारे बाकी बच्चों की तरह है ही नहीं, तो कितना अजीब सा है, तेरे से अच्छे तेरे भाई बहन हैं, पता नहीं तू जिंदगी में कुछ करेगा भी कि नहीं। अब इन सबकी बातें सुनते सुनते श्याम को लगा कि वाकई में मैं सच में एकदम निकम्मा हूं, मुझ में कोई भी क्षमता नहीं है। और वो धीरे धीरे डिस्करेज होता रहा। ऐसे 13 साल गुजर गए। अब एक दिन श्याम एक खेत में से गुजर रहा था, तो उसे एक इंसान मिला जिसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। तो वो इंसान श्याम से बात करने लग गया। श्याम को उससे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज तक किसी ने श्याम से ढंग से बात करी ही नहीं थी। तो ये जो नीले कपड़ों वाला था, उसने अपना नाम प्रकाश बताया, और प्रकाश और श्याम बातें करते करते काफी दूर तक निकल गए। प्रकाश ने पूछा, श्याम तुम करते क्या हो? तो श्याम बोला, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ में तो कोई गुण नहीं है, कोई क्षमता नहीं है, मैं तो बिल्कुल बेकार लड़का हूँ। प्रकाश बड़ा हैरान हुआ, वो बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, हर किसी में क्षमता होती है, तुम में भी होगी। अभी लोग बात करते करते जा रहे थे, तो एकदम सामने से एक चोर आ गया जिसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। वो इन पर लपकने ही वाला था कि श्याम ने थोड़ी सी चौकसी दिखाई, फटाफट उसने इस चोर का हाथ पकड़ लिया और उसे एक किक मारी और उससे लड़ने लगा। प्रकाश काफी प्रभावित हो गया। वो बोला, श्याम तुम तो कह रहे थे तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुमने तो चोर को भगा दिया, तुम तो डरे ही नहीं, तुम तो बहुत बहादुर हो, निडर हो, और तुम्हें तो मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। ये बड़ा हैरान हो गया। श्याम सोच रहा है, सच में क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? तो प्रकाश ने कहा, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, चलो मेरे साथ, पास के एक शहर में रहता हूँ मैं, एक मार्शल आर्ट स्कूल में मैं काम करता हूँ, तुम्हें वहीं ले जाता हूँ। अब श्याम ने कुछ सोचा नहीं, बस उसने प्रकाश का हाथ थामा और चल पड़ा। अब प्रकाश श्याम को स्कूल में ले गया, जहां हर किसी ने बहुत अच्छे से बात करी श्याम से। श्याम को प्रोत्साहन देते रहे और धीरे धीरे श्याम मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेता रहा और उसमें बहुत निपुण होता गया। उसने बहुत सी प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लिया और जीतता रहा, और धीरे धीरे वो एक चैंपियन बन गया। प्रकाश ने कहा, बेटा अब तो तुम टीचर बन सकते हो, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे सकते हो। श्याम को लगा, हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ। तो श्याम ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। फिर उसे लगा, मैं अपना स्कूल भी तो खोल सकता हूँ, और उसने एक स्कूल खोला जहाँ शुरू में कम बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे वो स्कूल
बड़ा होता गया, बच्चे ज्यादा होते गए और श्याम को लगा कि वाकई में मैं कुछ बन गया हूँ। तब उसे लगा मुझे अपने माँ बाप को ये बात बतानी चाहिए। तो वो अपने गांव गया और अपने माँ बाप को अपने साथ कुछ दिनों के लिए अपने स्कूल में लेकर आया। उसके माँ बाप हैरान रह गए, बोले, श्याम ये कैसे हो गया, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाते थे। तो श्याम ने कहा, माँ बाबा जब मैं उस गांव में था तो किसी ने मुझे प्रोत्साहित नहीं किया, बस उसी की कमी थी। यहाँ मुझे वही मिला और उससे आज मैं कुछ बन पाया हूँ। उसके माँ बाप की आंखों में आंसू थे पश्चाताप के और श्याम की आंखों में आंसू थे खुशी के। तो ये बात थी श्याम की, और ऐसे बहुत से श्याम हैं इस दुनिया में जिन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता है और वो एक हीन भावना में दबकर रह जाते हैं क्योंकि हर कोई उनका मजाक उड़ा रहा है, कोई उनके क्षमता को, उनके अस्तित्व को नहीं समझ पा रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या करना चाहिए इस हीन भावना को हराने के लिए। तो चलिए, अभी तो बात हुई थी कि किस तरह से माँ बाप, टीचर्स, फ्रेंड्स ये किस तरह से आपको डिस्करेज करके हीन भावना पैदा कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये जो श्याम होते हैं ये क्या करते हैं कि ये जनाब खुद को भी हीन महसूस करवा देते हैं, जबकि वो दूसरे लोगों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कितना बड़ा घर, कितनी बड़ी गाड़ी, कैसे कपड़े हैं, सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट किए हैं, कितने लाइक्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने कमेंट्स हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो सोशल मीडिया पे वो देख रहे हैं उस फोटोग्राफ में कितने फिल्टर लगे हुए हैं, वहाँ कितना मेकअप हो सकता है। तो वो जो देख रहे हैं वो सच नहीं है, किसी और के झूठे चेहरे से वो खुद का सच खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, दूसरे का झूठ आपके सच को खत्म कर रहा है, ये मत होने दें। याद रखें कि जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं है, वो सिर्फ एक सामने का पर्दा है, उसके पीछे क्या हो रहा है किसी की जिंदगी में आप नहीं जानते हैं। आपकी जिंदगी बेस्ट है, जितना ध्यान आप उन सब पर दे रहे हैं उतना खुद पर दें, अपने लक्ष्य पर दें, अपनी क्षमताओं पे, अपने गुणों पर दें, अपने जीवन पर दें, अपने परिवार पर दें, और देखें कितना फर्क होता है। देखें वो डिफरेंस जो आपको नजर आएगा जब आप ऐसा करेंगे। किसी और की जिंदगी से कुछ उठाकर कॉपी कर कर अपनी जिंदगी में पेस्ट करना बहुत आसान होता है, लेकिन याद रखें कि आप अतुल्य हैं, यूनिक हैं, इसलिए आपको अपनी जिंदगी खुद बनानी है, खुद देखनी है, अपनी जगह खुद बनानी है। कोई और आपकी जीवन के बारे में कुछ भी ना तो कुछ कहने का हक रखता है, ना ही कुछ रोकने का हक रखता है। आप ये हक किसी को नहीं दे सकते हैं। एक और बात पे ध्यान दीजिएगा, नोबडी कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर ओन कंसेंट। इसका मतलब है कि कोई भी आपकी अनुमति के बिना आपको हीन महसूस नहीं करवा सकता है, तो आप किसी को ही अनुमति देते ही क्यों हैं। खुद की लाइफ के लिए, जीवन के लिए एक स्टैंड लीजिए, कोई भी आपके लिए नहीं करेगा, ये आपको ही करना है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपको बढ़ाना है, इसके लिए मेरा एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं कि ये आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, अपनी क्षमताओं पर ध्यान दें और खुद को ऐसे लोगों के साथ रखें जो आपको खुश रखते हैं, जो आपको हीन महसूस नहीं करवाते हैं। ऐसे लोगों की कंपनी में रहें। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन
जैसी भी आपकी लाइफ है, जो भी आपका जीवन चल रहा है, उससे आपको खुश रहना है, अपनी जगह बनानी ही है। तो अपने लिए स्टैंड लीजिए और कभी भी पीछे मत हटिए। कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझिए, क्योंकि तुम किसी से कम नहीं, कम नहीं। और एक सलाह अध्यापकों के लिए और माँ बाप के लिए, आपके सब बच्चों पर एक जैसा ध्यान दीजिए, फेवरेटिज्म मत कीजिए, किसी भी बच्चे को डिस्करेज मत करें, हर किसी को इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें, क्योंकि जिस पौधे को सींचा जाएगा वही आगे खिलेगा, बड़ा होगा, लेकिन जिस पौधे की आप टहनियाँ तोड़ते रहेंगे, वो तो बेचारा सर झुकाकर एक दिन खत्म हो जाएगा। तो आपका बहुत बड़ा रोल है इसमें, आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज उसे निभाएं। उम्मीद है आप अपने को कॉन्फिडेंट बनाएंगे और अपनी इस हीन भावना को हरा देंगे। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।